और दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस और सुरक्षा बल की कंपनियां की गई हैं तैनात। कार्यक्रम के लिए करीब 50,000 लोगों को न्योता भेजा गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस और सुरक्षा बल की कंपनियां जो हैं वो तैनात की गई हैं। तो दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल होंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस और सुरक्षा बल की कंपनियां जो हैं वो तैनात की गई हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल होंगे। तो दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। तो शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस और सुरक्षा बल की कंपनियां तैनात की गई हैं। तो बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। तो हरियाणा पुलिस और सुरक्षा बल की कंपनियां तैनात की गई हैं। तो दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। हरियाणा पुलिस और सुरक्षा बल की कंपनियां तैनात की गई हैं। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। हरियाणा पुलिस और सुरक्षा बल की कंपनियां जो हैं वो तैनात की गई हैं। तो दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस और सुरक्षा बल की कंपनियां तैनात की गई हैं। समारोह में हरियाणा पुलिस और सुरक्षा बल की कंपनियां जो हैं वो तैनात की गई हैं। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो हरियाणा पुलिस और सुरक्षा बल की कंपनियां तैनात की गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पंचकुला से संवाददाता कोमल से जुड़ गई हैं। कोमल, दूसरी बार आज सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी, क्या कुछ तैयारियां? जी, हमने आपको तस्वीर देखी है, हम घटनास्थल पर है। तैयारियों पूरी मुकम्मल है। आज 12 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जी यहाँ पहुँचेंगे और 22 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रैली में यहाँ बहुत भव्य पंडाल है और रैली स्थल पर पहुँचेंगे और शपथ दिलाएंगे। जी,
बिल्कुल सुरक्षा के दृश्य से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कोमल? जी हमने आपको तस्वीरें भेजी है, सुरक्षा के यहाँ पूरा इंतजाम किए गए हैं, हर तरफ पुलिस बल और सेना की कंपनियां, सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं और भव्य पंडाल बना गया है। पंडाल में 1,00,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, यदि बात करें कार्यक्रम के लिए 50,000 लोगों को न्योता जो है वो भेजा गया है, अभी तक इनमें से कौन कौन से जो मेहमान है वो पहुंच गए हैं कोमल? जी यहाँ मेहमान पहुंचना शुरू हो चुके हैं, कुछ नेता हैं जो यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो हरियाणा के वरिष्ठ नेता वो लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ बाहर से आए हुए मेहमान यहाँ पहुंच चुके हैं, जो राज्यों के मुख्यमंत्री अधिकारी और मंत्री उनके साथ आए हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। पंडाल के अंदर ठीक 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुंचेंगे, उनके साथ अमित शाह जी होंगे और राजनाथ और ऑब्जर्वर होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। बिल्कुल कोमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।